की नज़र जाएगी वहीं तक किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली देख पाएगी। ये आईटीओ है दिल्ली का और आज किसान दिल्ली में पूरी तरह से दस्तक दे चुके हैं। किसानों ने काफ़ी मेहनत की है दिल्ली में घुसने के लिए, उनको बैरिकेड्स, पुलिस की लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले भी झेलने पड़े हैं। लाखों की तादाद में किसान देखिए आईटो का नज़ारा है, लाखों ट्रैक्टर हैं, लाखों किसान हैं, वो कुछ देर के लिए रुक गए हैं यहाँ पर। पुलिस प्रशासन ने इनको रोक के रखा है, गोले छोड़े जा रहे हैं आंसू गैस के, लेकिन किसान सबको दर्दनाक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये गोलों की आवाज़ आ रही है, किसानों को यहाँ डराने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये किसान है, ये धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा कर देता है, ये तो दिल्ली है। किसानों ने रास्ते में जितने बैरिकेड आए हैं उसको हटाए हैं, डिवाइडरों पर अपने ट्रैक्टर चढ़ाए हैं। देखिए ये गोला छोड़ा गया है, किसानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये आज सुबह परेड हुई थी, मोदी जी ने झंडा रोहण किया था, लेकिन ये देखिए सबसे बड़ा झंडा रोहण हो रहा है आज। ये देखिए ये बदल मच गई है और किसानों के साथ में लाठी चार्ज हुआ है। हम आपको दिखाते हैं जाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको, जो दिल्ली पुलिस प्रशासन है, जो जल्दी जल्दी गड्डी की देखिए ये दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है। देखिए आप दिल्ली पुलिस की हेडक्वार्टर की ये इमारत है और उसके सामने ही ये किसानों का बड़ा रैला है। ये रैली नहीं रैला, अक्सर हमारे देश में नेता रैली करते हैं चुनावी रैली, लेकिन ये किसानों का रैला है। तो ट्रैक्टर हैं इसमें बहुत महंगे महंगे, ट्रॉली हैं, गुड्डी हैं, सारा कुछ बारदाना लेकर के आए हैं किसान, सर्दी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, पानी है उनके पास में, खाना भी लिए हुए हैं वो। उन्हें पता है कि पूरा दिन लगेगा या दो दिन भी हो सकते हैं, तीन दिन हो सकते हैं, तो वो अपने पूरा बंदोबस्त से आए हैं। इस सड़क पर लाखों वाहन गुजरते हैं प्रति घंटे, लेकिन आज यहाँ पर ट्रैक्टर का राज है, किसान का राज है। देखिए वहाँ धुआं है, देखिए वहाँ गोले छोड़े गए हैं, आंसू गैस के गोले।